कभी कभी यू के ऐसे सवाल देखता हूँ इकोनॉमी के तो लगता है यू क्या किस लेवल का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बना रहा है और मजा आ जाता है ऐसे सवाल देख कर ये सवाल यू ने सी डी में बनाया है तो क्या यू पी एस सी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्री में नहीं पूछ सकता है ऑफकोर्स पूछ सकता है हेलो एंड वेलकम टू होप तुशान एंड वेलकम टू दिस सीरीज स्कॉड प्रिडिक्ट द अनडिक्टल जहां पर हम यू पी प्री को प्रडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ये गेम बेस्ड ऑन रैशनलिटी है आई हैव ऑलवेज सेड दिस गॉड इज रैशनल एंड रैशनल स्कॉड अगर रैशनलिटी का हाथ पकड़ कर चलेंगे तो यूपीएससी पी की प्री में आपको सक्सेस भी मिलेगी इस एग्जाम को क्वालिफाई भी कर पाएंगे इस विशेष साइकिल से बाहर भी निकल पाएंगे पर वो माइंडसेट आपको बनाना पड़ेगा एग्जामिनर को समझना पड़ेगा एग्जामिनर को ही समझते हैं एग्जामिनर के ही क्वेश्चंस के थ्रू इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और बड़ा सवाल है एंड बी फॉर दिस सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन एक सवाल जो मैं बनाकर आपके लिए लाया हूं उसको भी दिखाऊंगा पहले उससे पहले इस सवाल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि बहुत ही प्योर कॉन्सेप्टअल क्वेश्चन है इसको ढंग से समझिए क्योंकि बहुत से आंसर जो लोगों ने दिए थे वो गलत आंसर दिए थे

तो अगर इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना है तो आपको क्या फॉलो करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो करना पड़ेगा जहां पर जो सेंट्रल बैंक है वो अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाता है और इंटरेस्ट रेट को बढ़ाता है तो बैंक अपना लेंडिंग रेट बढ़ाते हैं जिसकी वजह से इकॉनमी में इकॉनमी में लोग डिमांड कम करते हैं लोग इन्वेस्टमेंट कम करते हैं कंजम्पशन कम करते हैं इसलिए इकॉनॉमी कॉन्ट्रैक्ट होती है जीडीपी श्रिंक होती है इसीलिए इसका नाम क्या है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी जिससे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी से ही इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं means, जहां पर मॉनेटरी पॉलिसी नहीं है वो आंसर नहीं होगा एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी ये नहीं हो सकता एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी ये नहीं हो सकता विच मीन आंसर ये तो बी है ये तो डी है लेकिन ये बोलता है कि कॉन्ट्रेक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी उसके बाद ये सेकंड चीज क्या बोल रहा है लीड टू अप्रीशियशन ऑफ करेंसी करेंसी का अप्रीशिये होना चाहिए यानी करेंसी की वैल्यू बढ़नी चाहिए yes, क्या होता है अगर एक डॉलर इक्वल टू एटी रुपीज है और एक डॉलर इक्वल टू नाइनटी रुपीज है और एक डॉलर इक्वल टू 75 रुपीज है। अगर 80 से 75 हो गया यानी रुपया अप्रिशिएट हो गया एट्टी से 90 हो गया मतलब रुपया डिप्रिशिएट हो गया हम चाहते हैं कि हमारी करेंसी का अप्रिशिएशन हो ये अप्रिशिएशन किस पॉलिसी से होगा अब एक तो हो गया कि कॉन्ट्रेक्शनरी मॉनिटरी पॉलिसी हमने समझ लिया एक कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी होनी चाहिए क्या सेकंड इस एप्रिसिएशन के लिए कॉन्ट्रेक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी होनी चाहिए या एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी कॉन्ट्रेक्शनरी फिस्कल पॉलिसी या एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी होनी चाहिए समझिए कॉन्ट्रेक्शनरी फिस्कल पॉलिसी अगर होगी जिसकी वजह से क्या होगा गवर्नमेंट कम एक्सपेंडिचर करेगी गवर्नमेंट कम एक्सपेंडिचर करेगी तो जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट होगी अगर जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट होगी तो कोई इन्वेस्टमेंट बाहर से आपके पास आएगा आंसर इज नो तो क्या डॉलर का इन्फ्लो होगा आंसर इज नो तो डॉलर अगर कम है रुपया ज्यादा है तो रुपया तो डेप्रिशिएट कर जाएगा इसलिए अगर एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी फॉलो करेंगे विच मीन गवर्नमेंट इज डूइंग अ लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर जिसकी वजह से जीडीपी ग्रो होगी याद जीडीपी बाय एक्सपेंडिचर मेथड सी प्लस आई प्लस जी प्लस एनएक्स ये G क्या है गवर्नमेंट स्पेंडिंग अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगी तो जीडीपी बढ़ेगी जीडीपी बढ़ेगी मतलब जीडीपी एक्सपेंड होगी अगर जीडीपी एक्सपेंड होगी इस पॉलिसी को क्या बोलते हैं एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी तो अगर एक्सपेंशनरी पॉलिसी फॉलो करेगी इसका मतलब आपकी इकोनॉमी बड़ी स्ट्रांग है इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो बाहर से लोग अपना पैसा अपना डॉलर लेकर आएंगे एफडीआई आए आएगा आपके पास एफ आएगा जिसकी वजह से डॉलर का इन्फ्लो होगा अगर डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी रुपया उतना नहीं है तो डॉलर डेप्रीशिएट करेगा और रुपया एप्रीशिएट करेगा

फॉलोइंग स्टेटमेंट रेपो रेट एंड एम एस एफ फैसिलिटी आर टूल्स टू इंजेक्ट लिक्विडिटी इन इकोनॉमी अंडर स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन ऑर्डर टू इंक्रीज मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी ऑपरेशन टूस्ट है कितने स्टेटमेंट है इनमें से सही है क्या एक ही स्टेटमेंट या दो स्टेटमेंट सही है या तीनों स्टेटमेंट सही है या कोई भी सही नहीं है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए इसका आंसर मैं टेलीग्राम पर पोस्ट कर दूंगा पोल भी करवा लूंगा वहां पर मैं टेलीग्राम पे आपको इसका आंसर भी बता दूंगा ताकि इसका आंसर आपको पता चल जाए ये भी एक बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है अगर आप इन सब के बारे में जानते हैं तो ही सवाल का जवाब लगा पाएंगे एंड अगर इकोनॉमी में आपको प्रॉब्लम होती है तो प्लीज चीजें हम नॉर्मली नहीं पढ़ते हैं CDS, में बार -बार पूछता है, वो भी हम स्मार्ट कवरेज करेंगे का, आपको कोई नहीं एक, हर एक को बारीकी से समझेंगे समय देकर समझेंगे और ये समझेंगे कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन समझने के बाद कितने हमारे सवाल सही होते हैं एंड मी 90 परसेंट प्लस एक्यूरेसी रहेगी मैं सीडीएस के भी सवाल करवाऊंगा आपको सीएपीएफ भी कराऊंगा सभी करंट अफेयर मंथली करंट अफेयर भी दूंगा और जून जुलाई अगस्त मंथली करंट अफेयर भी मैं आपको दूंगा उसकी यू नो बुकलेट बना के आपको दूंगा जिसमें माइंड मैप्स होंगे वो आपको समझ में आएंगे और साथ में मैं इयरली इंपॉर्टेंट इकॉनमी करंट अफेयर कौन से वो भी दूंगा उनके पीछे का बैकवर्ड लिंकेज कॉन्सेप्ट भी मैं आपको समझा दूंगा और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी एंड दिस कोर्स इज वेरी अफोर्डेबल एट टू ट्रिपल नाइन ओनली प्लीज इंश्योर कि ये इकोनॉमी का कोर्स आप जरूर परचेज करें इकॉनमी में नाइनटी परसेंट प्लस रहेगी और आपको कोई भी दिक्कत में होने नहीं दूंगा आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी ये जो आपको मैंने कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया या आंसर जो सी के सवाल का बताया वो अच्छा लगा दो में पूछा गया था आगे 2024 में यूपीएससी के प्रीमियम पूछा जाएगा अगर पूछा गया इस कॉन्सेप्ट के लिए आप तैयार होंगे थैंक यू नमस्ते जय हिंद